मध्य प्रदेश में बीते 36 घंटों से हो रही लगातार बारिश से प्रदेश के दतिया में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां दतिया के राजगढ़ किले के बाहर बनी 400 साल पुरानी दीवार ढहने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 9 लोग दीवार के मलबे में दब गए। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की दबने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद SDRF और जिला प्रशासन की टीमों ने घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शवों को बाहर निकाला। हादसे के बाद से ही पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। हादसे में निरंजन वंशकार का पूरा परिवार खत्म हो गया। हालांकि घटना स्थल तक रास्ता संकरा होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में जिला प्रशासन की टीम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 4 बजे के लगभग यहाँ जो घर जो कि किले की दीवार कहलाती है और काफी बड़े बड़े खंडे हैं 3 फुट बाई 3 फुट वाले, वो दीवार बरसात जो अपनी 36 घंटे से लगभग हो रही थी उसके कारण ढह गई और उसके नीचे एक वंशकार परिवार था जिसके 9 सदस्य थे, वो उसके नीचे दब गए और दबने के तत्काल यहाँ के ही लोगों ने पहले 2 लोगों को तुरंत उनको बाहर बाहर की तरफ से निकाला और फिर हम लोग ने उनको हॉस्पिटल पहुँचाया, वो सुरक्षित हैं। बाकी 7 लोगों को क्योंकि वहाँ पे रास्ता ही नहीं है, 3 फुट का रास्ता है तो ना JCB पहुँच सकती है ना पोकलेन, ये सब खड़ी है तो वो पॉसिबल नहीं था, तो SDRF को तुरंत कॉल किया गया, SP साहब और मैं तुरंत आ गए थे, SDM भी आ गए, सभी अधिकारी पहुंच गए थे और उसके बाद SDRF की मदद से 3 शवों को निकाला जा सका। फिर सुबह थोड़ी हो गई थी तो फिर उसका पोकलेन का उपयोग करके घर की दीवार थोड़ी थोड़ा रिस्क लेते हुए कि और कहीं उससे नुकसान ना हो जाए, और फिर अब जाके 12:40 हो रहा है, 12:35 इस समय जाके 7 शवों को निकाला गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर विशेष चिंता व्यक्त की। वहीं मामले में MP के CM डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दतिया में राजगढ़ किले की पुरानी दीवार ढहने से कई अनमोल जिंदगियां की मृत्यु का समाचार अत्यंत ही पीड़ादायी है। दुख की इस घड़ी में हम सभी शोककुल परिवारों के साथ हैं। घटना की सूचना मिलते ही SDRF के तथा जिला प्रशासन की टीम द्वारा तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, लेकिन सकरा रास्ता होने की वजह से अथक प्रयासों के बावजूद भी इन अनमोल जिंदगियों को बचाया नहीं जा सका। मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। परमपिता परमात्मा से दिवंगतों की पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने व शोककुल परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। तो वहीं MP के पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भी मौके पर पहुंचकर मृतकों के परिवार से मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में सरकार से उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हृदय विदारक घटना है, जिसने भी सुना स्तब्ध रह गया, पूरा दतिया आज शोक मग्न है। सोते हुए काल के गाल में समा जाएंगे ये तो किसी ने सोचा भी नहीं। स्मशान भूमि पर अंतिम विदाई में सबकी आंखें नम हैं। प्रशासन शासन लगातार जो भी उचित कार्यवाही कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से प्रशासन के संपर्क में है। 4-4 लाख रुपया उन्होंने सुबह ही बोला है, घायलों का पूरा इलाज का बोला हुआ है, पर जो भी हर संबंध मदद होगी सब लोग तैयार खड़े करेंगे। गौरतलब है कि बारिश में कमजोर हुई राजगढ़ किले की निचले हिस्से की जो दीवार गिरी है दतिया शहर को कवर करने के लिए राजा महाराजाओं के दौर में बनवाई गई थी। इस घटना में सभी मृतक 7 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश से लोकमत के लिए आकाश सिंह की रिपोर्ट।